पिछले वीडियो का कमेंट का आंसर होगा ऑप्शन सी किरण बेदी। इसका सही जवाब दिया है पंख जिनी साहू और यूजर TG1463V। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा होगा तो दिए गए आई बटन में क्लिक करके फुल वीडियो देख लीजिए। जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 20 बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों के बारे में। यदि आप इन सवालों के जवाब जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपका पहला सवाल है, बैंगनी गुलाब किस देश में पाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए जापान में, बी तुर्की में, सी चीन में, डी भारत में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी तुर्की में। आपका दूसरा सवाल है, किसकी कार पर नंबर प्लेट नहीं होती है? आपका ऑप्शन है ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी मुख्यमंत्री, डी गृह मंत्री। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति। आपका तीसरा सवाल है, लिपस्टिक में किस जानवर का खून मिलाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए गाय, बी सुअर, सी बकरी, डी कुत्ता। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सुअर। आपका चौथा सवाल है, बासी चावल खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? आपका ऑप्शन है ए कब्ज, बी सुगर, सी कैंसर, डी पथरी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कब्ज। आपका पांचवा सवाल है, किस जीव का खून सफेद होता है? आपका ऑप्शन है ए सांप, बी चूहा, सी मेक, डी तिलचट्टा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी तिलचट्टा। आपका अगला सवाल है, चांद की रोशनी को धरती पर पहुंचने में कितना समय लगता है? आपका ऑप्शन है ए 2 सेकंड, बी 3 सेकंड, सी 1.3 सेकंड, डी 3.5 सेकंड। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1.3 सेकंड। आपका अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में केवल 2 जिले हैं? आपका ऑप्शन है ए केरल, बी गोवा, सी असम, डी महाराष्ट्र। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी गोवा। आपका अगला सवाल है, एक दिन में कितनी बार पेशाब करना चाहिए? आपका ऑप्शन है ए 2 से 3 बार, बी 3 से 5 बार, सी 6 से 7 बार, डी 4 से 5 बार। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 6 से 7 बार। आपका अगला सवाल है, पूरी दुनिया में सबसे अधिक पीने लायक पानी किस देश में है? आपका ऑप्शन है ए भारत देश में, बी चीन देश में, सी ब्राजील देश में, डी अमेरिका देश में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी ब्राजील देश में। आपका अगला सवाल है, बरमूडा ट्रायंगल क्षेत्र किस महासागर में स्थित है? आपका ऑप्शन है ए अटलांटिक, बी भारतीय, सी प्रशांत, डी आर्कटिक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अटलांटिक। ऐसे ही वीडियो रोजाना पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन कर दीजिए। आपका अगला सवाल है, किस रंग को शांति का प्रतीक माना जाता है? आपका ऑप्शन है ए लाल रंग को, बी पीला रंग को, सी हरा रंग को, डी सफेद रंग को। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी सफेद रंग को। आपका अगला सवाल है,
दुनिया का सबसे बड़ा फल कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए तरबूज, बी कटहल, सी नारियल, डी पपीता। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी कटहल। आपका अगला सवाल है, भारत की प्रमुख फसल कौन सी है? आपका ऑप्शन है ए चावल, बी गेहूं, सी मक्का, डी बाजरा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए चावल। आपका अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक शाकाहारी लोग रहते हैं? आपका ऑप्शन है ए सिक्किम, बी महाराष्ट्र, सी राजस्थान, डी उत्तराखंड। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी राजस्थान। आपका अगला सवाल है, किस जानवर का दूध इंसान नहीं पचा सकता है? आपका ऑप्शन है ए हथिनी के, बी शेरनी के, सी गधी के, डी ऊंट के। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी शेरनी के। ऐसे ही वीडियो रोजाना पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन कर दीजिए। आपका अगला सवाल है, किस फल में सभी विटामिन पाए जाते हैं? आपका ऑप्शन है ए केला, बी संतरा, सी पपीता, डी अनार। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी पपीता। आपका अगला सवाल है, मानव खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती है? आपका ऑप्शन है ए 22 हड्डियां, बी 24 हड्डियां, सी 14 हड्डियां, डी 8 हड्डियां। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 22 हड्डियां। आपका अगला सवाल है, किस जानवर का दूध पीने से दिमाग तेज होता है? आपका ऑप्शन है ए गाय का, बी भैंस का, सी भेड़ का, डी बकरी का। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए गाय का। आपका अगला सवाल है, किस जानवर का दूध पीते ही इंसान बेहोश हो जाता है? आपका ऑप्शन है ए भेड़ का, बी ऊंट का, सी हथिनी का, डी गधी का। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी हथिनी का। आपका अगला सवाल है, रोजाना चावल खाने से कौन सी बीमारी हो सकती है? आपका ऑप्शन है ए सुगर, बी कैंसर, सी गठिया, डी पथरी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सुगर। ऐसे ही वीडियो रोजाना पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन कर दीजिए। आपका अगला सवाल है, मकड़ी बिना खाए पिए कितने वर्षों तक जीवित रह सकती है? आपका ऑप्शन है ए 2 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 10 वर्ष, डी 15 वर्ष। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 10 वर्ष। आपका अगला सवाल है, भारत रत्न पुरस्कार पर कौन सी आकृति बनी होती है? आपका ऑप्शन है ए सूर्य की, बी चंद्रमा की, सी शेर की, डी हाथी की। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सूर्य की। आपका अगला सवाल है, महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? आपका ऑप्शन है ए शेरा, बी बादल, सी चेतक, डी बुलबुल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी चेतक। आपका अगला सवाल है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? आपका ऑप्शन है ए रोमन, बी देवनागरी, सी पाली, डी पर्शियन।
आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी देवनागरी। आपका अगला सवाल है, किस जीव का दिमाग उसके शरीर से बड़ा होता है? आपका ऑप्शन है ए चींटी, बी मछली, सी सांप, डी कुत्ता। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए चींटी। ऐसे ही वीडियो रोजाना पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन कर दीजिए। आपका अगला सवाल है, किस देश में चप्पल पहनकर गाड़ी चलाने पर सजा दी जाती है? आपका ऑप्शन है ए भारत, बी जापान, सी अमेरिका, डी सऊदी अरब। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी सऊदी अरब। आपका अगला सवाल है, पपीता खाने से कौन सा रोग ठीक होता है? आपका ऑप्शन है ए कैंसर, बी सुगर, सी हृदय रोग, डी मस्तिष्क रोग। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी हृदय रोग। आपका अगला सवाल है, काला कौवा किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है? आपका ऑप्शन है ए भूटान, बी जापान, सी अमेरिका, डी भारत। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए भूटान। आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पर स्थित है? आपका ऑप्शन है ए कानपुर में, बी बेंगलुरु में, सी नई दिल्ली में, डी कोलकाता में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी कोलकाता में। आपका अगला सवाल है, चारमीनार कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है ए हैदराबाद में, बी सिकंदराबाद में, सी विजयवाड़ा में, डी नई दिल्ली में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए हैदराबाद में। ऐसे ही वीडियो रोजाना पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन कर दीजिए। आपका अगला सवाल है, सफेद सांप किस देश में पाए जाते हैं? आपका ऑप्शन है ए नेपाल, बी ऑस्ट्रेलिया, सी भारत, डी भूटान। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। आपका अगला सवाल है, बरगद किस देश का राष्ट्रीय पेड़ है? आपका ऑप्शन है ए भारत, बी अमेरिका, सी रूस, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए भारत। आपका अगला सवाल है, कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? आपका ऑप्शन है ए केरल, बी मणिपुर, सी तमिलनाडु, डी आंध्र प्रदेश। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए केरल। आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन है? आपका ऑप्शन है ए ब्रह्मपुत्र, बी गोमती, सी गंगा, डी चंबल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र। आपका अगला सवाल है, किस पक्षी को रात में एकदम दिखाई नहीं पड़ता है? आपका ऑप्शन है ए चमगादड़, बी हंस, सी मोर, डी मुर्गा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी मुर्गा। ऐसे ही वीडियो रोजाना पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन कर दीजिए। आपका अगला सवाल है, भारत का मुकुट किस राज्य को कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए गुजरात को, बी दिल्ली को, सी मुंबई को, डी जम्मू कश्मीर को। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर को।
आपका अगला सवाल है, इंसान कितनी किलोमीटर दूर तक देख सकता है? आपका ऑप्शन है ए 2 किलोमीटर, बी 8 किलोमीटर, सी 5 किलोमीटर, डी 20 किलोमीटर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 20 किलोमीटर। आपका अगला सवाल है, रंग में भंग होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? आपका ऑप्शन है ए बना बना के काम बिगड़ना, बी अपमानित होना, सी रंग से भीग जाना, डी घुल मिल जाना। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए बना बना के काम बिगड़ना। आपका अगला सवाल है, मच्छर के मुंह में कितने दांत होते हैं? आपका ऑप्शन है ए 22 दांत, बी 32 दांत, सी 42 दांत, डी 82 दांत। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 82 दांत। अगला सवाल आपके लिए, आप सभी लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 1 महीने में कितना दिन होता है? आपका ऑप्शन है ए 27 दिन, बी 28 दिन, सी 29 दिन, डी 30 दिन। आपका सही जवाब क्या होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो साथियों, वीडियो को यही समाप्त करते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद। ऐसे ही नॉलेजबल वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन कर दीजिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो ले आते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर।